Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 7,66,103 तक जा पहुंची। हलाकतें 19,664 हो गईं। टोरंटो में सर्दी की शदीद लहर जारी। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर के लिए सर्दी की खसूसी वार्निंग भी जारी की गई है। दर्ज हरारत -14 तक पहुंच गया। कनेडियन सूबे ओंटेरियो में 2,80,000 तलबा की स्कूलों में वापसी। ग्रेटर टोरंटो और हैमिल्टन एरिया के स्कूलों को खोलने का फैसला ना हो सका। 4 रीजन्स में तलबा स्कूलों में वापस आ रहे हैं। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ई कचहरी का अहतमाम। सिफारतखाने और कम्युनिटी के माबैन रवाबित मुस्तहकम होंगे। कौंसलर खिदमात की फराहमी में मजीद बेहतरी आएगी। कोरोना वायरस दुनिया में अमवात की तादाद 22 लाख से बढ़ गई। केसेस की तादाद 10,20,000 से तजावुज कर गई। 7,38,65,000 से ज़ायद मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। हॉलीवुड अदाकारा पामेला एंडरसन ने अपने बॉडीगार्ड से शादी कर ली। गुज़िश्ता माह के आखिर में रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुईं। पामेला एंडरसन की ये 6ठी शादी है। शहजादी डियाना पर बनने वाली फिल्म की झलक ने परिस्तारों को बेकुल कर दिया। बरतानवी शहजादी की यादें आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा हैं। फिल्म साल 2022 में रिलीज होगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 905-956-6699 फॉर फैमिली लॉ रियल एस्टेट विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 905-956-6699 पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा 905-956। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में कोरोना वायरस में कमी का सिलसिला जारी है। तहम बरतानिया में सामने आने वाली कोरोना वायरस की दूसरी किस्म के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमुई तादाद 7,66,103 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 19,664 हो गईं, जबकि 6,89,419 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। क्यूबैक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमुई केसेस की तादाद 2,58,698 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 9,667 तक पहुँच चुकी है। ओंटेरियो में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 2,62,463 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,014 है। ओंटेरियो में कोरोना वायरस में कमी का सिलसिला जारी है। ताहम बरतानिया में सामने आने वाली कोरोना वायरस की दूसरी किस्म के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जरूरी काम करने वाले अफराद इस वायरस से ज्यादा मुतासर होते नजर आ रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि इस वायरस को रोकने के लिए अवामी सेहत के उसूलों पर सख्ती से अमल करना होगा। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,22,821 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 1,606 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 66,265 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,184 है। इस वीकेंड पर टोरंटो का कम से कम दर्ज हरारत हफ्ते की रात -9 और ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत इतवार की रात -4 रहने की तवक्को है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में सर्दी की शदीद लहर जारी है। गुज़िश्ता रोज महकमा मौसमियात की जानिब से शहर के लिए सर्दी की खसूसी वार्निंग भी जारी की गई। महकमा मौसमियात की जानिब से जुमे को इस हफ्ते का सबसे सर्द तरीन दिन बताया गया, जबकि दर्ज हरारत -14 तक जाने का बताया गया है। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक शहर के दिन के औकात में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड किया गया। शहर में वार्मिंग सेंटर्स को खोल दिया गया ताकि बाहर रहने वाले अफराद
सर्दी से बच सकें। जबकि इजाफी टीमें पानी, स्लीपिंग बैग्स, कंबल और सर्दियों के गर्म लिबास लोगों तक पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं। शहरी इंतजामिया का कहना है कि शहरी घर से बाहर जाने से पहले मौसम का जायजा लें, गर्म कपड़े लें और बैरूनी सरगर्मियों को दोबारा तरतीब देने पर गौर करें। इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत हफ्ते की रात -9 और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत इतवार की रात -4 रहने की तवक्को है। ओंटेरियो के वजीर तालीम का कहना है कि पीर के रोज से तलबा स्कूल में वापस आएंगे। हुकूमत ने तिबी माहिरीन से इत्तेफाक किया है कि स्कूलों में तलबा की वापसी के उनकी जहनी सेहत पर मस्बत असरात मरतब होंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में 280,000 तलबा स्कूलों में वापस आ रहे हैं। जिन 4 रीजन्स में तलबा स्कूल में वापस आ रहे हैं उनमें ग्रेटर टोरंटो एंड हैमिल्टन एरिया के स्कूल शामिल नहीं हैं। ओंटेरियो के वजीर तालीम स्टीफन लीचे का कहना है कि पीर के रोज से तलबा स्कूलों में वापस आएंगे। हुकूमत ने तिबी माहरीन से इत्तेफाक किया है कि स्कूलों में तलबा की वापसी के उनकी जहनी सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे, जबकि हमारे सूबे के स्कूल सीखने के लिए महफूज मकामात हैं। तलबा की वापसी के बावजूद मुकामी पब्लिक हेल्थ यूनिट हालात की बुनियाद पर मखसूस स्कूलों को बंद करने का इख्तियार बरकरार रखते हैं। वालदैन अपने बच्चों को स्कूल ना भेजने का भी इंतखाब कर सकते हैं। इस बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई है कि हुकूमत कब टोरंटो और पील रीजन समेत सूबे के शदीद मुतासरा इलाकों में स्कूल खोलना शुरू करेगी या नहीं। हुकाम की जानिब से कहा गया है कि स्कूलों में वापसी आने वाले तुलबा की हिफाजत के लिए इकदाम को यकीनी बनाया जाएगा। ई कचहरी में कनाडा के मुख्तलिफ सूबों और शहरों में मुकीम पाकिस्तानियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और आसान और बरवक कौंसल खिदमात की फरहमी के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज और आरा का इजहार किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी हाई कमीशन कनाडा और मॉन्ट्रियल, टोरंटो और वैनकोवर में कायम पाकिस्तानी कौंसलेट्स की जानिब से मुश्तरका तौर पर कनाडा और शुमाली अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ई कचहरी का अहतमाम किया गया। ई कचहरी में कनाडा के मुख्तलिफ सूबों और शहरों में मुकीम पाकिस्तानियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और आसान और बरवक कौंसलर खिदमात की फरहमी के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज और आरा का इजहार किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर रजा बशीर तारर ने ई कचहरी से इफ्तिताही और इख्तितामी खिताब किया, जबकि कौंसलर जनरल टोरंटो अब्दुल मजीद ने कचहरी की निजामत के फराइज सर अंजाम दिए। ई कचहरी के दौरान कम्युनिटी को रोशन डिजिटल अकाउंट्स और वीजा दरख्वास्तों के अमल को ऑनलाइन किए जाने के अमल से आगाह किया गया। वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर खारजा की हिदायत पर कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सिफारत खाने और कौंसलेट्स की जानिब से हर माह ई कचहरी का एहतमाम किया जाएगा। कचहरी के शुरका ने ई कचहरी के एहतमाम को सराहा और इसके हर माह इनेकाद के फैसले को कम्युनिटी के लिए सूदमंद करार दिया। ई कचहरी के हर माह इनेकाद से सिफारत खाने और कम्युनिटी के माबैन रवाबित मुस्तहकम होंगे और कौंसलर खिदमात की फराहमी में मजीद बेहतरी आएगी। ऑस्ट्रेलियाई तहकीक के मुताबिक न्यूजीलैंड कोरोना वबा से निमटने में कामयाब तरीन मुल्क, जबकि ब्राजील बदतरीन मुल्क रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 10,20,00,000 से बढ़ गई और 22,957 अफराद जान की बाजी हार गए। दुनिया में कोरोना के 7,38,65,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 2,59,66,000 से जायद जेर इलाज हैं। अमरीका में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज्यादा खौफनाक है, जहाँ 4,43,769 अमवात हो चुकी हैं और 2,63,38,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,54,047 और 1,07,20,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमू तादाद 2,21,676 और 90,60,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। रूस में 37,93,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमू तादाद 71,651 है। बरतानिया में 37,43,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं और 1,03,126 अमवात हो चुकी हैं। फ्रांस में 31,30,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 74,800 जान की बाजी हार चुके हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 25,605 तक जा पहुंची हैं, जबकि कोरोना वायरस के केसेस 24,57,118 हो गए। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 38वें नंबर पर आ गया है, जहाँ कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,366 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,67,276 तक जा पहुंची है। ऑस्ट्रेलियाई तहकीक के मुताबिक न्यूजीलैंड कोरोना वबा से निमटने में कामयाब तरीन मुल्क, जबकि ब्राजील बदतरीन मुल्क रहा है। हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा पामेला एंडरसन ने अपने बॉडीगार्ड को दूल्हे बनाते हुए छठी शादी कर ली है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा पामेला एंडरसन ने अपने बॉडीगार्ड को दुल्हा बनाते हुए छठी शादी कर ली है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पामेला एंडरसन गुज़िश्ता माह के आखिर में अपने बॉडीगार्ड के साथ रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुई। बरतानवी अखबार से गुफ्तगू करते हुए पामेला एंडरसन ने अपनी शादी की तस्दीक करते हुए कहा कि मैंने अपने दादा दादी की जायदाद पर शादी की है, जहाँ मेरे वालिदैन की शादी भी हुई थी और वो दोनों अब तक एक साथ हैं। उन्हें महसूस होता है कि अब उनका सफर मुकम्मल हो गया है। ख्याल रहे कि पामेला एंडरसन की ये छठी शादी है। इससे कबल उन्होंने गुज़िश्ता साल जनवरी में मशहूर फिल्म सीरीज बैटमैन के प्रोड्यूसर जॉन पीटर से पांचवी शादी की थी। ताहम उसके 12 रोज बाद ही दोनों में अलहदगी हो गई थी। अदाकारा ने जॉन पीटर से कबल टॉमी ली किड रॉक और पोकर प्लेयर रिक सिलेमोन से भी शादी की थी, जबकि रिक सिलेमोन से पामेला एंडरसन की 2 मरतबा शादी हुई थी। लेडी डियाना के परिस्तारों को अमरीकी नशरियाती इदारे ने यह खबर दी है कि उनकी पसंदीदा शहजादी की जिंदगी पर एक फिल्म बनाई जा रही है, जिसकी रिलीज अगले साल मुतवक्के है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। खूबसूरत और पुरकशिश शख्सियत की मालिक लेडी डियाना की जिंदगी ही मुश्किलात और तनाजात का शिकार नहीं रही, बल्कि उनकी मौत भी पुरअसरार हालात में हुई। लेकिन 23 बरस कबल एक हादसे में जिंदगी की बाजी हार जाने वाली इस बरतानवी शहजादी की यादें आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा हैं। लेडी डियाना के परस्तारों को अमरीकी नशरियाती इदारे ने यह खबर दी है कि उनकी महबूब शहजादी की जिंदगी पर एक फिल्म बनाई जा रही है, जिसकी रिलीज अगले साल मुतवक्के है, जब उनकी मौत को 25 साल पूरे हो जाएंगे। CNN के मुताबिक स्पेंसर नामी इस फिल्म में वो अमरीकी अदाकारा क्रिस्टियन स्टीवर्ट के बरतानवी शहजादी डियाना के रूप में देखेंगे। क्रिस्टियन की लेडी डियाना के रूप में पहली तस्वीर शाया की गई है और इस रूप में हूबहू डियाना दिखाई दे रही है। फिल्म का स्क्रिप्ट स्टीवन नाइट का तहरीर करता है, जो शहजादी डियाना और शहजादा चार्ल्स की जिंदगी के उस लम्हे के गिर्द घूमता है, जब लेडी डियाना ने अपनी शादी खत्म करने का फैसला किया था। ये फिल्म एक वीकेंड की कहानी बयान करती है, जब लेडी डियाना शाही खानदान के साथ छुट्टियां गुजारने गई हुई थी। शहजादी डियाना के अपने शौहर और बरतानवी शहजादा चार्ल्स के साथ ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार थे, लेकिन ये एक अरसे तक किसी पर जाहिर न हो सका। 1992 में उनके माबैन इख्तलाफात और उनकी अलहदगी का दुनिया भर में चर्चा हो गया था, लेकिन तलाक अगस्त 1996 में हुई थी। क्रिस्टियन स्टीवर्ट की शहजादी डियाना के रूप में तस्वीर शेयर होते ही ट्विटर पर सार्फिन के तबसरे शुरू हो गए हैं। एक ट्विटर सार्फिन केटेलियन ने डियाना और अदाकारा की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि एक लम्हे को मुझे यूं लगा जैसे ये वाकई डियाना है। खबर के मुताबिक फिल्म की शूटिंग जर्मनी और बरतानिया में की जाएगी और ये 2022 में रिलीज होगी। 31 अगस्त 1997 को पेरिस में कार हादसे में जिंदगी से महरूम हो जाने वाली लेडी डियाना को उनकी फलाही खिदमत की वजह से भी याद किया जाता है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैग टीवी। टैग टीवी अपडेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कनाडा एंड अराउंड द ग्लोब।